नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम गोपाल जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं, और ये मैंने कॉटन चिकन बूटी का ये फैब्रिक लिया है। तो ये मैं डबल सर्कल में बनाऊंगी कान्हा जी के, छोटे गोपाल की। तो पांच नंबर की गोपाल जी की मैं ये ड्रेस बना रही हूँ। तो मैं ये कटिंग कैसे करती हूँ तो आगे देखिए आप। तो देखिए, मैंने ये कपड़ा कटिंग कर दिया है और मैंने ये पांच नंबर की गोपाल जी की बना रही हूँ। तो 10 का मुझे घेरा चाहिए, तो 10x10 का मैंने ये स्क्वायर में ये कटिंग किया है, देखिए। और ये 10 इंच भी इधर से, तो मैंने ये मतलब अभी तो दो फोल्ड लिए हैं मैंने, और इसको मैं राउंड शेप में कटिंग करूँगी, और इसके मैं 4 राउंड लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा घेरा बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ऐसे रख के वापस इसको मैं फोल्ड करूंगी। तो देखिए, मैंने फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पे मैं एक पिन लगाऊंगी आगे, जो आपका कपड़ा है वो हिलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ से मैं ये आपको ऐसे रख के सर्कल बनाना है। तो देखिए, फिक्स 5 इंच आ रहा है मेरा, और यहाँ से मैं निशान लगा के ऐसे सर्कल कटिंग कर दूंगी। तो देखिए, राउंड शेप में मैंने नीचे से कटिंग कर दिया है, और ये जो ऊपर से जो कमर है इनके, ये मैं 1/2 इंच कटिंग करूँगी, और मैं इसकी 4 सर्कल में बना रही हूँ। आपके पास जितना भी कपड़ा है, अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप 2 सर्कल में भी कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं, और इसमें मैं बाद में ऊपर गैदर्स लूँगी। तो इतनी मैं ये कमर कटिंग करूँगी, 1/2 इंच लिए मैंने निशान लगा के, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये कटिंग कर दिया है, और जो ये सर्कल जो मैंने बनाए हैं, इस सर्कल को आपको एक एक सर्कल ये कटिंग करना है, ठीक है। तो सारे सर्कल में मैंने कट लगा दिए हैं, ये 4 सर्कल हो गए, तो 4 सर्कल के में मैंने कट लगा दिया है, और मैं आपस में जॉइंट करूँगी। तो एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर, और फिर आपस में मैं सारे सर्कल जॉइंट करूँगी। तो देखिए, सारे सर्कल मैंने जॉइंट कर दिए हैं, और ये देखिए सारे जॉइंट आ गए हैं एक एक, और तो ये 4 सर्कल हो गए हमारे। तो देखिए, ये काफ़ी फ्री हो गई है, ऐसे इतना घेरा आएगा हमारे गोपाल जी के। और इसको ये जो जितनी भी कमर बनानी है, आप चाहे तो छोटे छोटे से प्लेट्स भी ले सकते हैं पूरे ड्रेस में, और आप चाहे तो गैदर्स भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें गैदर्स लूँगी, और मैं 6 इंच की कमर इसमें बनाऊँगी ठाकुर जी के। जितनी भी आपके कान्हा जी की कमर है उसमें, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं साइज लेके, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और ये सिलाई मैंने 5 नंबर वाली ली है। देखिए, 2 सिलाई लिए मैंने पास में, और अभी मैं जो ये नीचे वाला जो धागा है हमारा, ये मैं धीरे धीरे इसको खींच के जाना है, तो ये हमारे गैदर्स हो जाएगी। ऐसे करके मैं 6 इंच की कमर बनाऊंगी ठाकुर जी के। तो देखिए, मैंने ये कमर बनाई है ठाकुर जी की, 6 इंच की कमर होगी हमारे ठाकुर जी के, और इसके ऊपर मैंने बारीक वाली सिलाई लगा दी है एक, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा, आगे बड़ा नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, और यहाँ से जो ये है, यहाँ से मैं इतना फोल्ड करूँगी। तो देखिए, मैंने ये ग्रे कलर का फैब्रिक लिया है, पतला जो ब्लाउज पीस का आता है मैंने वही लिया है, और इसमें भी ये ग्रे कलर का है, तो 2 कलर में कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा। और इसमें मैं ये पूरे भी टाइप में ये पट्टियाँ ऐसे रख के, तीसरी रख के ये कटिंग करूँगी, स्ट्रिप कटिंग करूँगी बहुत सारी, तो ऐसे लाइन बना के मैं, और फिर मैं इसके नीचे जो हमारा ये जो घेरा है, इसके नीचे हम बोट देंगे, ऐसे पाइपिंग जैसी ऐसे लगेगी, ठीक है। Thank you.
कि ये पाइपिंग जो मैंने ये कट की है, ये उरेवी टाइप में ये पट्टियाँ, तो सारी मैंने जॉइंट लगा दी है। देखिए पट्टियों में तो सारी पट्टियाँ मैंने जॉइंट की है। और ये देखिए पाइपिंग ऐसी आएगी जो ब्लाउज में आती है, ये उरेवी टाइप में कटिंग होती है। तो ये देखिए ऐसे आएगी हमारी ये गोट। और ये जो मैंने ये बेल्ट है, ये भी मैंने उरेवी टाइप में लिया है। तो इसको मैंने एक सिलाई तो लगा दी है इसके, देखिए। और इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पे भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी, तो ये बेल्ट हो जाएगा हमारा। और इसके नीचे जो ये घेरा है हमारा ठाकुर जी का, तो इसके ऊपर में ये जो गोट है, ये कपड़ा ऐसे रख के इसके ऊपर आपको स्टिच करना है पूरे में, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर मैंने स्टिच कर दिया है। और ये जो ऊपर की साइड है हमारा, ये सीधा है और ये उल्टा भाग है हमारा। और अभी क्या करना है हमको, ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, और फिर वापस ऐसे फोल्ड होगा। तो अगर आपसे ऐसे नहीं, इतना नहीं हो रहा, तो एक सिलाई आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और फिर आप ऐसे फोल्ड करके, और जो आगे की तरफ है यहाँ पे हमारी एक सिलाई आएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी पाइपिंग जैसा लुक आएगा, और ये पाइपिंग ही बनेगी जैसे ब्लाउज में आती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए मैंने पूरे में ये सिलाई लगा दी है, और देखिए इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए ऐसे आ गए हमारी ये नीचे वाली पट्टी। और इसको क्या करना है, अभी ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, और इसके ऊपर आपको सिलाई नहीं लेनी है। जो ये ग्रे कलर की पाइपिंग दिख रही है, इसके ऊपर आपको सिलाई नहीं लेनी, इसके पास में लेनी है बिल्कुल एंड में, ठीक है। तो देखिए ये बन के रेडी हो गया है घेरा गोपाल जी की। और ये मैंने देखिए पाइपिंग लगा दी है, तो ऐसे लुक आएगा, और नीचे से ऐसे रहेगा हमारा ये, और ऊपर से देखिए ये ऐसे दिखेगा। तो ये दिखने में अच्छी दिखती है, और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और घेरा भी बहुत हो गया इसका। और अभी मैं इसमें जो बीच में जो ये ड्रेपा लगाया था हमने बेल्ट, तो इसमें मैं ये डोरी डालूंगी। और डोरी मैंने देखी यहाँ पे, मैंने एक सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। और अभी हमें इसको सीधा करेंगे, तो बताती हूँ सीधा कैसे करना आपको। पहले यहाँ पे मैंने एक सुई ले ली, और इसको एक बार वापस मैंने यहाँ से, और इसी सुई को मैं उल्टा करके अंदर की तरफ डालूंगी, तो ये सीधा हो जाएगा हमारा। तो अभी हम कान्हा जी की चोली बना रहे हैं, और चोली बनाने के लिए ये पट्टियाँ मैंने कटिंग की है, ये उरेवी टाइप में। और ये मैंने 5 इंच लिया है, देखिए लंबा, और 2 इंच मैंने चौड़ा लिया है, ये देखिए 2 इंच। और इसको मैं फोल्ड करूँगी, कुछ भी नहीं करना, इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी, और एक इस तरफ, और फिर हम ये यहाँ से डोरी लगाएंगे जो मैंने बिल्कुल घेरे में लगाई है, बिल्कुल वही प्रोसेस है इसमें। तो ये डोरी में ऐसे इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, देखिए इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। और ये इसको ऊपर रख के पट्टी को, और इसके ऊपर भी मैं स्टिच करूँगी, और फिर इसको फोल्ड करके, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, बिल्कुल वही प्रोसेस है, ऐसे आएगी, ठीक है। तो देखिए ये चोली बन के रेडी हो गई है। और अगर आपकी चौड़ा हो रहा है ज़्यादा, तो आप ऐसे पीछे की तरफ एक टैक्स ले सकते हैं छोटा वाला, ठीक है। तो ये ऐसे शेप आ जाएगा गोपाल जी के, तो गले में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, पर मेरे गोपाल जी के बिल्कुल सही है, तो मैं इतने ही रख रही हूँ। और देखिए अभी चोली अटैच करेंगे हम इस घेरे में, तो घेरे के नीचे ऐसे इतनी दबा के अंदर की तरफ ले जाके, और बिल्कुल ये सेंटर में होना चाहिए, जो ये वाला भाग है आपका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और इसके ऊपर सिलाई लेनी है हमें, यहाँ पर नहीं लेनी है हमको, यहाँ पर लगानी है सिलाई, ठीक है। तो देखिए ये बन के रेडी होगी गोपाल जी की ड्रेस, और ये दिखने में एक नया लुक हो गया गोपाल जी के ड्रेस का, और ये अच्छी भी दिखेगी। और जो बीच में देखिए मैंने ये लगा दिया है, ये चोली लगा दी है, तो इतनी अंदर गई हमारी चोली, और ये 2 इंच जितनी हमारी ये रखी है मैंने गोपाल जी की। और ये मैंने एक फूल लगाऊंगी बीच में, और ये फूल मैंने एक लेस लाई थी, लेस में से कटिंग किया है, तो ये सेंटर में मैं ये लगा दूंगी, तो इनकी ये डिजाइन हो जाएगी गोपाल जी के चोली के। तो देखिए ये बन के रेडी हो गई, और ये फाइनल लुक है ड्रेस का। और ऐसे ही आप इसी पैटर्न को फॉलो करके आप अपने छोटे गोपाल के लिए भी बना सकते हैं, और बड़े गोपाल के लिए भी बना सकते हैं। आप मेजरमेंट आपको सही लेना होगा, जो भी आपके पास गोपाल जी है साइज़ के, और ऐसे ही पैटर्न आप अपने राधा रानी के भी बना सकते हैं लहंगा। तो
कि आप अगर छोटे गोपाल के बना रहे हैं तो इसमें दो राउंड आप घेरा ले सकते हैं और तीन भी ले सकते हैं, और जो बड़े गोपाल के अगर बना रहे हो आप तो इसमें चार घेरा और पांच घेरा भी ले सकते हैं। जितने बड़े गोपाल जी हो, जिसके सात नंबर के हो, तो उसमें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं राउंड, ठीक है। तो छोटे गोपाल के मैं दो राउंड में बनाऊँगी और ये मैंने बड़े गोपाल के लिए चार राउंड में बनाया है। तो ऐसे आप एक ड्रेस बना सकते हैं अपने गोपाल जी के। तो ये था जो नई पैटर्न में मैंने तैयार की है ड्रेस। तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।